ये तमाम बातें आज यहाँ पर हुई हैं ब्राह्मण को लेकर, लेकिन इसी देश में ब्राह्मणों को लेकर एक लकीर ये खींची जा रही है कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको ब्राह्मणों ने गढ़ा है, वो हिंदू सनातन नहीं ब्राह्मण धर्म है। देखिए, सनातन को ना किसी ने गढ़ा है, ना सनातन को कोई अगर है। किसी सज्जन का वो पहुंचवा दिया जाए, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन धर्म आदि काल से एक निवेदन हो रहे हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा, बच्चा गूगल पर है, भूदेव, भूदेव एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है SMA। उसके लिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत कम बच्चों में पाई जाती है, तो उस बच्चे का नाम है भूदेव शर्मा। उसके लिए गूगल पर सर्च करें, और सर्च करने के बाद, क्योंकि जो उसके इंजेक्शन लगना है, उस इंजेक्शन की कॉस्ट है 17.5 करोड़ रुपए, जिसके लिए सहारनपुर के लोग बड़ी हिम्मत से पैसा जुटा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गूगल पर सर्च करें, और जितनी भी उसकी मदद हो सके, गूगल पर उसका बार कोड मौजूद है। सनातन को ना कोई गढ़ सकता है, ना सनातन को गढ़ा जाएगा। जो सनातन है वो आदि धर्म है, बाकी सब सनातन से निकले हैं। इसलिए सनातन को मिटाने की बात करना बेवकूफी है और पाप है। आचार्य जी, हम लगातार दलित समाज के बीच जाते हैं, जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें तो जब भी घटना होती है दलित बताया जाता है, वो अपने आप को हिंदू क्यों नहीं मानते? सनातन धर्म की कई शाखाएं हैं, जैसे निर्गुण, सगुण, अवतारवाद, ये सब सनातन की शाखाएं हैं। तो जितने भी दुनिया में धर्म हैं, वो सब सनातन से निकले हैं। इसलिए जो सनातन को मानता है वो भी सनातनी है, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं ये भी मूर्ख सनातनी है। लेकिन कुछ लोग राम और कृष्ण के अवतार को भी चुनौती दे रहे हैं कि न राम हुए न कृष्ण हुए, तो आप तो अभी राम और कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। जब इंसान भगवान की सत्ता को चुनौती देने लगता है, तभी भगवान का अवतार होता है। यही भगवान कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे, है ना। जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरौ कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इसी असत्य के, अंधकार के, अहंकार को मिटाने के लिए अवतार होता है। भगवान ने जब जब धरती पर अधर्म बड़ा, अवतार लिया है, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी परशुराम बन के, कभी बुद्ध बन के, और 10वां अवतार भगवान का श्री कल्कि के रूप में संभल में होगा। अब ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो मुसलमानों का क्या होगा, दलितों का क्या होगा? भारत को तो भारत ही रहने दो, भारत को तो भारत रहने दो ना। भारत कितना सुंदर है, भारत में सब समाहित है। भारत को तो भारत ही रहने दो, भारत को तो भारत रहने दो ना। भारत कितना सुंदर है, भारत में सब समाहित है।